कमला अंकीबाई घमंडीराम गोवानी ट्रस्ट द्वारा श्रीमती निदर्शना गोवानी के नेतृत्व में वाराणसी में एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ जल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन देश को एनीमिया से बचाने और सभी के लिए स्वच्छ जल को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी प्रयास था। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई जो समाज में महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। शोभा मुथा जैन वाराणसी में पुलिस आयुक्त की पत्नी जो महिलाओं की को शिक्षित करती हैं और उनके लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाती हैं उपस्थित लोगों में शामिल थी और उन्होंने इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक अन्य सहभागी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विधायक दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के विस्तार में महिला कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके प्रेरक भाषण ने लोगों को द्रवित कर दिया। प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ और बालिकाओं के लिए संघर्ष करने वाली डॉक्टर शिप्राधर ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाकर इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई। यह कार्यक्रम सुनियोजित था और महिलाओं के स्वास्थ्य और यहाँ एनीमिया की रोकथाम के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया। 700 से अधिक महिलाओं की एनीमिया के लिए जांच की गई। जिन महिलाओं में यह पाया गया उन्हें अंकुरित अनाज सूखे मेवे और अन्य पोषक तत्वों वाले भोजन के पैकेट दिए गए। इस कार्यक्रम में एक नाव रैली भी थी जहां गंगा नदी को साफ किया गया और पानी को समुदाय के लिए पीने योग्य बनाने के प्रयास किए गए। कार्यक्रम के आयोजकों ने एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को एक महीने के लिए दवाएं प्रदान की। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जूस के साथ स्वस्थ दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनीमिया को खत्म करना और सभी के लिए स्वच्छ पानी को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। आयोजन के प्रमुख निदर्शना गोवानी ने सभी प्रतिभागियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कार्यक्रम स्वस्थ भारत के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक छोटा कदम है। हम उन सभी विशिष्ट व्यक्तियों के आभारी हैं जिन्होंने हमारे प्रयासों में हमारा समर्थन किया है। अभिषेक गोलू श्रीवास्तव और श्रवण मिश्रा ने पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सब ने इन लोगों की तारीफ के फूल बांधे। कुल मिलाकर यह आयोजन शानदार रूप से सफल रहा और एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कमला अंकीबाई घमंडीराम गोवानी ट्रस्ट लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह इस कार्यक्रम में अच्छी तरह से परिलक्षित हुआ। अच्छे से अगर भोजन लिया जाए तो और स्ट्रेस भी नहीं रहे, स्ट्रेस से भी काफ़ी एनेमिक हो जाते हैं तो माइंड से भी रिलेटेड होता है, तो स्ट्रेस भी नहीं रहे और अच्छा भोजन लेने से तो उनका एनेमिक का काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर एनेमिक रहेंगे तो फिर डिजीज़ भी होने लगते हैं, जैसे कैंसर, उसमें काफ़ी ब्लड का लॉस हो जाता है तो इसलिए वो भी कारण होता है। तो उनके लिए जो मदर प्रेग्नेंट है उनके लिए तो काफ़ी बहुत ध्यान रखना होता है फूड से लेके हर चीज़ को कि उन्हें पूरा विटामिन्स मिले। मेरा यही कहना है कि सबसे अच्छा डाइट और स्ट्रेच और हेल्थ और एक्सरसाइज सब कुछ देखते हुए और सनलाइट, वाटर, एयर, ऑक्सीजन सब का अच्छी ऊर्जा में लिया जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है और बीमारी भी बहुत दूर रहती है।